नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकालीन वीर रस के एकमात्र कवि भूषण। भूषण एक कवि ही नहीं, एक क्रांति प्रचारक भी कहे जा सकते हैं। अपने युग में उन्होंने शिवाजी व छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है और देशवासियों में, तत्कालीन समाज में, तत्कालीन भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया। आज हम जिस आदर भाव से शिवाजी के व्यक्तित्व को आंकते हैं, वो उसका श्रेय सर्वाधिक भूषण कवि को ही जाता है। इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लें। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और 1705 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इनका मूल नाम घनश्याम बताते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये दोनों रचनाएं इनकी रीतिबद्ध रचनाएं हैं। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक, इसमें रीतिबद्ध रचनाएं हैं। इसमें चंद अलंकारों के लक्षण व उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अगली जो रचना है शिवा बावनी, उसमें शिवाजी की प्रशंसा से संबंधित कवित्वों का संग्रह है। आइए हम बात करते हैं महाकवि भूषण की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। भूषण कवि एक राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, रीतिकाल के वीरस के ओजस्वी कवि कहे जाते हैं। हम उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, युद्धों का सजीव चित्रण। भूषण के काव्य में युद्ध वर्णन में सजीवता है और उन्होंने शिवाजी जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं, उनकी सेना का वर्णन किया है। उनकी सेनाओं में चतुरंगिणी सेना का वर्णन किया है और इन्होंने जो युद्धों का वर्णन किया है उसमें सजीवता की झलक मिलती है। हम उनके युद्धों का वर्णन से संबंधित हम पढ़ते हैं। युद्धों का सजीव चित्रण है और आइए एक उनका उदाहरण देखते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग तुरंग में चढ़ी। साजी चतुरंग अर्थात शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजाकर वीर रंग में तुरंग चढ़ी। वीरता से ओतप्रोत होकर वो अपने तुरंग अर्थात
अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सरजा शिवाजी, सरजा एक उपाधि का नाम है, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शिवाजी जंग जीतने के लिए जा रहे हैं, इसी का वर्णन है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि महाकवि भूषण ने शिवाजी के युद्धों का वर्णन सजीव ढंग से किया है। अगला जो काव्यगत विशेषताओं के अंदर टॉपिक है वो है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना, इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के गुण मिलते हैं जिसका अनुसरण परवर्ती कवियों ने किया। इनके काव्य में शिवाजी व छत्रसाल के द्वारा अपनी राष्ट्रीयता के लिए मुगलों से युद्ध करने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के गुण मिलते हैं। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित एक उदाहरण देखिए, और वे समन्वय स्थापित करना चाहते हैं हिंदू राजाओं में, देशी राजाओं में। आइए उदाहरण देखते हैं। आपस की ही फूटते सारे हिंदुवान टूटे, वे अपने काव्य के माध्यम से राजाओं को समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपस की फूट की वजह से हिंदू राजा एक दूसरे से टूट गए, अलग हो गए, और उसी बिखराव का फायदा, टूट का फायदा जो मुगल शासक हैं वे उठा रहे हैं। इस प्रकार वे हिंदू राजाओं में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए अपने काव्य की रचना करते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है सांस्कृतिक आस्था। महाकवि भूषण हिंदू धर्म में अधिक विश्वास करते थे, और हिंदू धर्म के कर्मकांडों, पुराणों आदि के उदाहरणों द्वारा शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। और शिवाजी को कहीं पे सिंह, कहीं पे गरुड़, कहीं पे बाज आदि बताया है, और पुराणों से संबंधित उदाहरण भी लिए हैं। और शिवाजी की सेना चलने से शेषनाग और धरती के टुकड़े होना, या शेषनाग के फल के टुकड़े, फन के टुकड़े होना, ये शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में अपनी संस्कृति के प्रति एक आस्था थी, और अपने काव्य में शिवाजी को हिंदू धर्म का रक्षक, हिंदू संस्कृति का रक्षक भी बताया है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता की प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। शिवाजी के आश्रय में महाकवि भूषण रहे, छत्रसाल राजा के आश्रय में रहे, वह रुद्रशाह सोलंकी के आश्रय में रहे। तो इन्होंने मूल रूप से शिवाजी व छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इस प्रकार जो रीतिकाल के प्रारंभ में या रीतिकालीन कवियों में प्रमुखता पाई गई है कि अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, वह प्रवृत्ति महाकवि भूषण के काव्य में मिलती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने भी अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है, जो स्वाभाविक
वह चारित्रिक दृष्टि से कुछ हद तक ठीक बैठती है। आइए अगला जो पॉइंट है वो है शिवाजी वह छत्रसाल की वीरता का वर्णन। महाकवि भूषण शिवाजी व छत्रसाल के आश्रय में रहे और शिवाजी के चारित्रिक विशेषताओं व छत्रसाल की वीरता से प्रभावित हो उन्होंने अपने काव्य में इन दोनों भारत के महान वीर योद्धाओं व संस्कृति के रक्षकों का बहुत ही आकर्षक व स्वाभाविक ढंग से सजीव वर्णन किया है अपने काव्य में। आइए शिवाजी की वीरता का एक उदाहरण देखें। सरजा शिवाजी जंग जीतल चलत है। शिवाजी जंग जीतने के लिए अपने अंगों में उमंग भरकर और अपने तुरंग पर घोड़े पर वो सवार होके युद्ध में जंग जीतने के लिए चलते हैं। और एक अन्य उदाहरण देखिए छत्रसाल की वीरता का वर्णन देखिए। वीर तेरी बर छीने हैं शत्रु के। यहाँ पर महाकवि भूषण छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेरी बर छीने शत्रु पक्ष के बर छीने श्रेष्ठ योद्धाओं को छीन लिया है और वो आपकी बर्छी कि हे छत्रसाल तेरी बर्छी इस प्रकार चलती है जिस प्रकार से पानी में मछली तैरती हो और शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। और इन्होंने अपने काव्य में छत्रसाल की बर्छी को सर्पणी के समान बताया है। आगे हम चर्चा करेंगे महाकवि भूषण की काव्यगत विशेषताओं के बारे में आगे चर्चा करते हैं और उनकी काव्यगत विशेषताओं में जो कला पक्ष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले है भाषा। महाकवि भूषण ने रीतिकाल में जिस भाषा का वर्चस्व था ब्रजभाषा अर्थात ब्रजभाषा और इन्होंने अपना साहित्य साहित्यिक ब्रजभाषा में ही लिखा। इनकी भाषा में उर्दू अरबी फारसी के तुर्की बुंदेलखंडी आदि शब्द मिले हैं। व्याकरण की अव्यवस्था वह शब्दों के तोड़ मरोड़ से वाक्य विनाश की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी सशक्त कहलाती है और वीरों को युद्ध के लिए प्रेरित करने में कारगर साबित होती है। प्राकृत व अपभ्रंश के शब्द प्रयुक्त होने से कुछ क्लिष्ट अवश्य है लेकिन पाठकों में जागृति क्रांति व वीर रस उत्पन्न करने के लिए सटीक बैठती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाकवि भूषण की साहित्यिक भाषा ब्रज है व इसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रसंगवश मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शैली। महाकवि भूषण की काव्यगत शैली वीर रस से उत्प्रोत ओजस्वपूर्ण शैली कही जा सकती है। इन्होंने अपने काव्य मुक्तक शैली में लिखा व इनकी शैली में प्रभाव उत्पादकता चित्रोपमकता और सरसता
भूषण की शैली में इसके उदाहरण मिलते हैं। बहुत ही सजीव, आकर्षक, सरस, सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है इनकी शैली। इनकी शैली में वर्णनात्मकता, चित्रात्मकता, भावात्मकता आदि के उदाहरण मिलते हैं। और इन्होंने मुक्तक शैली में अपना काव्य लिखा। अगला जो उदाहरण है वो है रस। रस वर्णन। महाकवि भूषण ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के रसों का वर्णन किया है, लेकिन उनके काव्य का प्रमुख रस वीर रस ही कहलाया है। और वीर रस के अलावा इनके काव्य में सहयोगी रस भी रहे, जिनके नाम विभत्स, भयानक व रौद्र, जो वीर रस में प्रयुक्त होते हैं, इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। श्रृंगार रस के भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत उदाहरण मिलते हैं इनके काव्य में। और इनके वीर रस का एक उदाहरण देखिए। भूषण भनत तेरी हिमती कहाँ तक लो कहाँ गावे। यहाँ पर भूषण कवि शिवाजी की वर्णन करते हुए, शिवाजी का वर्णन करते हुए, वीरता का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि हे शिवाजी व हे छत्रसाल, आपकी वीरता का गुणगान मैं कहाँ तक करूँ। अर्थात आपके गुणों का वर्णन करना मेरी वाणी में इतना इतना दम नहीं है, इतना प्रयास नहीं है कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं। अगला है छंद प्रयोग। महाकवि भूषण ने काव्य शास्त्र का अनुकरण किया है और काव्य शास्त्र के नियमों का अनुकरण करते हुए उन्होंने लक्षण ग्रंथों की भी रचना की। जैसा कि मैंने पहले बताया, भूषण के शिवराज भूषण व छत्रसाल दशक, ये लक्षण ग्रंथ हैं। दोनों ही रीतिबद्ध ग्रंथ हैं। इनमें छंदों, अलंकारों आदि के लक्षण के उदाहरण मिलते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अपने काव्य में भी दोहा, छंद, कवित्व, जो इनके कवित युद्ध वर्णन के लिए छप्पे, वीर रस के लिए अत्यंत उपयुक्त छंद कहलाता है सवैया आदि छंदों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। लेकिन इनका मूल जो छंद है वो कवित व छप्पे कहलाता है। अगला जो टॉपिक है वो है अलंकार प्रयोग। महाकवि भूषण ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जो युद्ध वर्णन के लिए प्रसंगानुकूल सटीक बैठते हैं। और इनके काव्य में विभिन्न प्रकार के अलंकारों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, श्लेष, यमक, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आइए उनके यमक अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं, जो काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ पर शिवाजी की वीरता का वर्णन है और यमक अलंकार है। उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे वीर, तेरे त्रास, तेरे भय की वजह से जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते थे, वो अब ऊंचे 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 घोर मंदिर, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शत्रु पक्ष की जो नारियाँ थी वो घने जंगलों के अंदर अपना जीवन यापन कर रही है, वनों में भटक रही है, जो बिल्कुल घने, जहाँ पर कोई निवास नहीं करता, ऐसे निर्जन वनों में घूमने के लिए
या जीवन यापन करने के लिए विवश हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूषण के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा काव्यगत विशेषताओं में कला पक्ष की विशेषताओं को देखते हुए उनका काव्य एक श्रेष्ठ सर्वोत्तम काव्य है और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का प्रयास करने वाला काव्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।